G20 का मीटिंग होने वाले हैं। इस संदर्भ में हमारे देश में जितने भी दूतावास हैं, फॉरेन कंट्रीज का एम्बेसडर्स हैं, उन सबको लेकर के एक ट्रिप अंडमान तक विदेश मंत्रालय ने अरेंज किए, वो सब लोग उधर है। और उधर जाने के बाद भी G20 का विषय बात करते करते उन्होंने सुबह सुबह क्या किया, सब इकट्ठा होकर के एक खुले स्थान पर अच्छा सा माहौल में योगा, दे प्रैक्टिस योग। सो वो नया जैसे नहीं लग रहा आजकल, सुबह उठकर हम सब साथ योग करें, इतना मान्यता उसको पिछले 7-8 से। ये नहीं बोल रही उससे पहले योग नहीं था, ये नहीं बोल रही विदेश में एक आध लोग इसको रिस्पेक्ट करते थे, पालन भी करते, प्रैक्टिस भी करते थे, मगर इतने उत्सुकता से बड़ा पैमाने पर आजकल उसका कैसे रिकॉग्निशन मिल रहा, वो एक विषय। दूसरा, आयुर्वेद और हमारे सिद्ध और हिमालयन मेडिसिन सबका भी आजकल यूएन में भी स्थान मिल रहा है। धीरे धीरे भारत का इंडिजिनस नॉलेज के ऊपर भी रिकग्निशन मिल रहे हैं, जो दत्तोपंत जी ने पहले से बोल रहे थे कि हमारी इंडिजिनस नॉलेज को स्थान दिलाओ। मुझे बहुत संतोष हो रही है आज इधर खड़े होकर के मैं बोल सक रही हूं कि पिछले 7-8 साल में जब हमारे सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें इतनी सारे ध्यान से मैं जितने भी दत्तोपंत जी का लेख पढ़ रही हूं, उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत सारे फीचर्स उसमें से आजकल की सरकार पालन ही कर रही है। मैं कुछ आगे देख रहा, 11वीं सदी में वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30% से लेकर 33% तक हुआ करती थी, ये सच है, आंकड़े हैं। मुगल काल में आर्थिक सांस्कृतिक दमन के बाद भी जीडीपी में 25% योगदान होता था हमारे देश का, भारत का, ये मुगल काल की बात करता हूं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ब्रिटिश काल में हमारा योगदान जीडीपी में घटके रह गया 4%, और 1970 आते आते गिरते रह गया केवल 3%। लेकिन आज ये भारत का सामर्थ्य है, आर्थिक सामर्थ्य, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार हम फिर आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी 9.5% तक पहुंच गई है। दत्तोपंत जी के चरणों में प्रणाम। राष्ट्रपति भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, ये महापुरुष याद आते हैं, दीनदयाल जी, दत्तोपंत जी, जिन्होंने केवल हमें नहीं भारत को तो ऐसा दिखाई। आजादी के बाद हमने पश्चिम का अध्ययनकरण, कम्युनिज्म का प्रभाव, समाजवाद, और कई बार पूंजीवाद की तरफ पूरा झुकाव। लेकिन निर्मला देवी जिसमें तीसरे रास्ते की बात कर रही थी, तीसरा रास्ता, और सचमुच में उसे अगर दीनदयाल जी के शब्दों में कहते एक आध मानव, और दत्तोपंत जी ने भी कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास चाहिए, आधा अधूरा और अधिकार तरह नहीं, संपूर्ण विकास और संपूर्ण सुख उसको मिलना चाहिए, ऐसी समाज और राज व्यवस्था चाहिए। और संपूर्ण सुख की अगर आप बात करते तो पश्चिम ने मनुष्य को केवल शरीर माना, और शरीर मानने कह दिया कि बड़ी आसान बात है, व्यक्ति को सुखी करना है, रोटी कपड़ा मकान दे दो, भूख लगे भोजन, प्यास लगे पानी, घूमने को गाड़ी, रहने को मकान, बीमार हो जाए तो इलाज, गर्मी हो तो एसी, सर्दी हो तो हीटर,
चढ़ने के लिफ्ट जैसा बीबी बताती थी अभी, ये सारी सुख सुविधाएं कर दो मनुष्य सुखी हो जाएगा। दीनदयाल जी ने भी कहा बंद जी ने कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, शरीर है, शरीर का सुख चाहिए, यह नैसर्गिक आवश्यकता है रोटी कपड़ा, लेकिन इसके साथ मन का सुख भी चाहिए। संपूर्ण सुख मतलब मन का सुख, बुद्धि का सुख भी और आत्मा का सुख। मैं आपके बहुत विवेचन में आज नहीं जाऊं, लेकिन तीसरे रास्ते में उन्होंने कहा केवल व्यक्ति का सुख नहीं चाहिए, व्यक्ति सुखी हो, संपूर्ण सुखी हो, पूर्ण विकसित हो, लेकिन व्यक्ति की भी ड्यूटी है वो समाज के लिए अनुशासित हो, अपनी ड्यूटी और कर्तव्य का भी पालन करे। उन्होंने व्यक्ति की बात की, उन्हें समाज की बात की, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और केवल नहीं राष्ट्र से आगे बढ़ के प्रकृति की बात की, सृष्टि की बात की, परमेश्वर की बात की। और फिर दीदी जब बता रही थी कि दत्तोपंत जी ने कहा कि प्रकृति का शोषण करो, दोहन करो, शोषण मत करो, शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में फल लगे तो फल तोड़ के खा लो, ये दोहन है, लेकिन कुल्हाड़ी लेके पेड़ ही काट दो, ये शोषण है। और ये दत्तोपंत जी के विचार आज भी प्रासंगिक है, और उन विचारों को उन्होंने कृति में परिवर्तित करके एक अनेक संस्थाओं की रचना की। और दीदी ने इन विचारों को आपको बताया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसी मार्ग में चलते हुए आज मुझे याद आ रहा है एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, कभी कहा था याद करो जो विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, और उन्होंने कहा था कि महा निशा का अंत निकट है, सुदीर्घ रजनी समाप्ति जान पड़ती है। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। आज मैं ये कहने का साहस पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहा हूं कि दूसरे नगर के नेतृत्व में ये हो रहा है। भारत का बंधन या सामर्थ चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आज मैं आप लोगों की बात नहीं करूंगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध, हमारे बच्चे फंस गए, पूरा देश चिंतित था कि बच्चों का होगा क्या, निकलेंगे कैसे, लेकिन जब बच्चों ने तिरंगा झंडा हाथ में लिया और भारत आने के लिए निकले तो रूस की सेनाएं भी पीछे हट गई और यूक्रेन ने भी गोलाबारी बंद कर दी। तिरंगा आ रहा है, जाने दो, हमारे किसी बांग्लादेश